देखिए मैं एक आपके लिए आज लेडीज़ जूती लाई हूँ, जो कि इसके लिए आप कोई भी 4-प्लाई का ऊल ले लीजिएगा, कोई भी कलर का, और एक क्रोशिया ले लीजिएगा, और ये दो फूल बनाकर ले लीजिएगा, और 9 नंबर सिलाई ले लीजिएगा। मैं 9 नंबर पर बुनती हूँ, इसीलिए आपको 9 नंबर बता रही हूँ। आप 10 नंबर भी ले सकते हैं, और मात्र ये 10 ग्राम ऊन से आपका ये जूती बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे आप समझते होंगे आपके पैर में नहीं होगा, लेकिन पहनकर देखिएगा तो ये ज़रूर आपको आ जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल लगता है बनने के बाद। तो इसके लिए आप ये 22 फंदे सिलाई पर डालिएगा, और दोनों तरफ से ये उल्टी उल्टी सिलाई बुनकर एक लंबी पट्टी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनिएगा तो भी ये उल्टी लाइन आपको दिखाई देगा, और आप उल्टी सिलाई भी दोनों तरफ से बुन सकते हैं। और 22 फंदा डालकर बनाइएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको सीधा सिलाई बुनिएगा और उल्टी भी बुन सकते हैं, जो आपकी मर्जी। मैं सीधा बुनकर इसको कंप्लीट की हूँ, इसीलिए सीधा बता रही हूँ। तो इस सिलाई से आप टोटल 140 सिलाई बुनिएगा, और ये आगे से आपको जब 70 लाइन दिखाई दे उल्टी उल्टी, तो इसको लास्ट में आप बंद कर दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, देखिए कि ये लेडीज जूती कैसे बनकर पूरा। देखिए मैं आपको बोली थी कि आप एक लंबी पट्टी इस तरह से देखिए तैयार कीजिएगा। तो ये जो आपको उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है लाइन, ये आप 70 लाइन बना लीजिएगा। तो आपका ये दोनों तरफ से बुनिएगा तो 140 सिलाई हो जाएगा, और ये मेरा लास्ट सिलाई है। तो इसको हम इस तरह से देखिए बंद करेंगे, 2 फंदा का एक बनाएंगे, फिर यही फंदा को इस सिलाई पर रख कर फिर इस 2 फंदा को एक बनाएंगे। तो इस तरह से ये सारे फंदे हम इसी तरह से बंद करेंगे, 2 फंदा का एक बनाते जाएंगे, और फिर ये लेडीज़ सॉक्स का सिलाई कैसे होगा तो आगे मैं बताऊंगी। आप लोग इस तरह से फंदे को बंद कर लीजिएगा लास्ट में। तो देखिए इस तरह से मेरा ये बंद हो गया है, इसका जूती का पल्ला, फंदे सारे मैंने बंद कर लिया। तो इस तरह से आप देखिए इसको रखिएगा उल्टा करके, और यहाँ से यहाँ तक आप इसकी सिलाई करिएगा। देखिए इस तरह से यहाँ से हम सुई की सहायता से मजबूती से आप लोग इसको सिल लीजिएगा। तो ये मैं जूती बता रही हूँ 5 नंबर का। अगर आप थोड़ा साइज से बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 24 फंदे डालिएगा, तो आपका ये 6 नंबर का आ जाएगा। और 7-8 नंबर का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 26 फंदे डालिएगा। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें 15 फंदे डालिएगा। तो ये आप, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक आप इसकी सिलाई मजबूती से करिए। तो आगे देखिए ये जूती कैसे पूरा बनता है। क्या मैं इसकी सिलाई कर ली हूँ, अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप इसको सीधा कर लीजिएगा देखिए, और फिर आप यहाँ तक इसको छोड़ दीजिएगा। ये आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम ये 20 लाइन आप छोड़कर यहाँ से आप सुई की सहायता से एक एक फंदे में आप इस तरह से
सुई को डालते जाइएगा। और इस तरह से ये आगे का भाग बन जाएगा। इस तरह से आप सुई में डालकर इसको, या तो आप इसको मजबूती से सिल लीजिएगा, नहीं तो आप इसको टाइट से बांध दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ पर टाइट से नॉक लगा लेंगे। और फिर यहाँ से हमको दूसरा कलर का ऊन चाहिए। कि हम यहाँ दूसरा कलर का ऊन लेकर इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल देखे, इसके लिए मैं इसका थोड़ा सा किनारी बना लूँगी। इसके लिए आप क्रोशिया की सहायता से दो दो चेन बनाइएगा इस तरह से, और ये दो लाइन छोड़ छोड़ कर आप सिंगल क्रोशिया से इसको बंद करते जाइएगा। दो दो चेन बनाइएगा और थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बंद करते जाइएगा। तो ये चारों तरफ आप बना लीजिएगा। और इस जूती के आगे में डालने के लिए आप एक पोम-पोम लीजिए, या फैंसी बटन ले सकते हैं, या कोई भी आप क्रोशिया से फूल बनाकर इसके आगे में लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह आप इसके दोनों तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका किनारी बना लीजिए। तो देखिए ये मैं एक फूल बनाई हुई हूँ, तो इसको इस तरह से हम सुई की सहायता से यहाँ पर इसको सिल लेंगे सुई से, तो ये खूबसूरत लगेगा। आप लोग इसको पैर में पहनकर देख सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा और ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। इस तरह से इसको आप इस पर सेट कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप अपने पैर में इसको पहन कर देख लीजिएगा, बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।